हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योर टेक कंज्यूमर में। एंड गाइस, मेरा नाम है ऋषभ। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टिप एंड ट्रिक की। ये टिप एंड ट्रिक वीडियो होने वाली है एंड काफ़ी फन ट्रिक होने वाली है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप मल्टीपल वेबसाइट्स को अपने किसी भी ब्राउज़र में किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये टिप आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाएगी एंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। तो गाइस, जनरली कभी क्या होता है, कई बार हम लोगों को काफ़ी सारी वेबसाइट्स एक साथ ओपन करनी होती है या लगता है कि कंप्यूटर ऑन हुआ और हम सर्टन वेबसाइट हमेशा चलाते हैं तो बार बार हर बार एक एक टैब में ओपन करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा टाइम जाता है। तो मैं सोचा कि क्यों ना इसको एक काफ़ी शॉर्ट तरीके से किया जाए। तो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, बट सबसे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइस, इस ट्रिक के लिए आपको बहुत कुछ जैसा खास नहीं करना है। जैसे जैसे मैं जो स्टेप्स बताता जाऊंगा वीडियो में, आपको सारे के सारे स्टेप्स वगैरह फॉलो करने हैं एंड आप भी आराम से सीख जाओगे। सो गाइस, इस ट्रिप के या इस ट्रिक के लिए हम जो यूज़ करने वाले हैं वो बैच प्रोसेसिंग कमांड का यूज़ करने वाले हैं। अब जिन लोगों को बैच कमांड या इस सब के बारे में कुछ आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ट्रिकी प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं है। एक सिंपल सा कोड लिखना होगा हमको एंड मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि वो कोड कैसे काम कर सकता है, ताकि उस कोड को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकें। सो गाइज, सबसे पहले हमको नोटपैड ओपन करना होगा एंड मैंने यहाँ पर नोटपैड में कोड पहले से लिख के रखा है। तो यहाँ पर आपको @echo off लिखना है एंड स्टार्ट, एंड साथ ही साथ आपको वो वेबसाइट लिखनी है जिसको आप हमेशा ओपन करना चाहते हो या इस कैटेगरी में डालना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 वेबसाइट ले रखी हैं, जैसे गूगल, ये मेरी एक अपनी वेबसाइट है एंड यूट्यूब। एंड इसके बाद आपको इसको सेव करना है। फॉर मैं बताना चाहूँगा पहले कि इसमें यहाँ पे जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा विंडोज़ में वही ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई डेडिकेटेड ब्राउज़र सेट नहीं किया, तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे। सो जस्ट इसको सेट करने के लिए मैं सेव एज पे जाना होगा एंड मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे लोकेशन चूज़ कर लेता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ websites.bat। तो ये बात का आप हमेशा ध्यान रखना है कि आपको .bat एक्सटेंशन पे इस फाइल को सेव करना होगा। सो जो सेव कर लेता हूँ एंड यहाँ पे एक website.bat नाम की फाइल आ गई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, website.bat नाम की फाइल है। मैं इसको जैसे ओपन करता हूँ तो जस्ट मेरा क्रोम ब्राउज़र, देखिए आप देख सकते हैं कि यूट्यूब, मेरी वेबसाइट एंड गूगल, ये तीनों चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट ऑन चुका है, क्योंकि क्रोम को मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ही सेट कर रखा है अपने कंप्यूटर सिस्टम में। तो देखें कि आप देख पा रहे हैं ये ओपन हो गया। अब गाइस, बात करते हैं कि आपको किसी डेडिकेटेड ब्राउज़र में ओपन करना है। सपोज दैट मेरा तो चलो क्रोम है, बट आपका साइड डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एज हो या फिर विंडोज़ एक्सप्लोरर, कोई भी हो सकता है। तो अगर आपको अपने डेडिकेटेड वेबसाइट सॉफ्टवेयर में इसको यूज़ करना है तो जस्ट कुछ नहीं, आपको उस सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम कोड लिखना होगा। अब प्रोग्राम कोड मीन्स, जैसे कि अगर यहाँ पे क्रोम रन कर रहा है तो यहाँ पे आपको chrome.exe लिख के आ रहा होगा। क्रोम का वैसे क्रोम ही लिख के आता है, गूगल क्रोम है। इसको अगर मैं ओके भाग रहा है ऊपर नीचे, सो दिस इज़ और गूगल क्रोम है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको गूगल क्रोम दिखा रहा होगा। सो यहाँ पे मैं जस्ट माइक्रोसॉफ्ट एज का लिखना है। अब माइक्रोसॉफ्ट का एज का यहाँ पे कोड नेम है एज, MSH, तो MSH लिखना है एंड स्पेस देना है एंड जस्ट मैं यहाँ पे दूसरे में भी लिख देता हूँ, स्पेस देता हूँ एंड यहाँ पे भी कर देता हूँ MSH और स्पेलिंग वगैरह देख लेते हैं सही है। फिर इसको हम सेव कर देते हैं इसी website.bat पे, सेव हो गया है एंड जस्ट फिर मैं ओपन करता हूँ। तो इस टाइम आपकी देख पा रहे हैं खुद कि ये अब एज में ओपन हो गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं YouTube और मेरी वेबसाइट, ये तीनों चीज़ें, तीनों वेबसाइट आपको एज में ओपन होकर दिख गई हैं। सो इस तरीके से आप अपने डेडिकेटेड वेबसाइट, मतलब डेडिकेटेड ब्राउज़र में भी इसको ओपन कर सकते हैं आराम से एंड या इसको आप ओपेरा या किसी भी ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया है या फिर कुछ नया सीखने को मिला है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना एंड उनको उनके साथ भी ये कूल ट्रिक शेयर करो। साथ ही चैनल पर नए होते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना और भी जाके वीडियोस देखो, मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स वीडियो बना के रखता रहता हूँ। चैनल पर नए होते हैं तब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गाइस मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर एंड आल्सो नेक्स्ट वन, टिल देन पीस।